मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हमारा लाइव बग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं रैंप की लंबाई या स्लोप की लंबाई, वो भी एक मैसेज के द्वारा। यानी आपको रैंप बनाना है, आपको अपने घर का स्लोप बनाना है, तो आपको ओनली वन अपना मोबाइल उठाना है और आपको एक मैसेज करना है, एक कमेंट करना है, और विद इन 10 या 15 मिनट के अंदर आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको अपने रैंप की कितनी ढलाई करनी है, स्लोप की ढलाई आपको कितनी दूर से करनी है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं कि एक मैसेज के द्वारा, ओनली वन मैसेज के द्वारा आप रैंप की ढलाई की दूरी या रैंप की लंबाई का पता कर सकते हैं, स्लोप की लंबाई का आप पता कर सकते हैं। तो मैं ये मैसेज का आपको बताऊं कि आपको मैसेज कैसे करना है, कमेंट कैसे करना है, उसके पहले मैं आपका कुछ टाइम लूंगा, ठीक है ना। वो टाइम क्यों लूंगा कि मैंने ऐसा क्यों सोचा है, ऐसा करने की क्यों सोचा। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो लाइव बर्ग चैनल है अपना, इस लाइव बर्ग चैनल पर आप लोगों ने जो प्यार दिया है, जो चैनल को मोनिटाइज कराया है, जो व्यूअर्स आए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद जो लाइव बर्ग चैनल का आप लोग साथ दे रहे हैं। अब मैंने ये मैसेज का क्यों सोचा, तो मैं इसकी कहानी पूरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक पॉइंट बताऊंगा कि मैंने इस लाइव बर्ग चैनल पर स्लोप के कैलकुलेशन से रिलेटेड कम से कम 10 वीडियो डाल रखे, पूरे 10 वीडियो। इसमें क्या होता है, जो इंच का कैलकुलेशन है, एमएम का कैलकुलेशन है, तो इसमें कई लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, तो मेरे पास कमेंट आते हैं, तो मैं उन कमेंट को पढ़ता हूं, तो उसमें यही लिखा रहता है कि भैया आप तो रैंप की लंबाई बता दीजिए कि हमें कहां से ढलाई करना है, हमें स्लोप की लंबाई बता दीजिए कि हमें कहां से ढलाई करना है, हमें कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम सीधे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इनको रैंप की लंबाई बता दें, स्लोप की लंबाई बता दें कि भाई कहां से आपको ढलाई करना है। तो एक रीजन था जी। दूसरा रीजन ये था कि जब हम मकान बनाते हैं, तो मकान बनाते समय कोई भी बंदा जो एक्सपीरियंस वाला है, कोई ठेकेदार है, तो ठीक है, लेकिन अगर नया बंदा जब मकान बनाता है तो उसके पास 1760 टेंशन होती है। और 1760 का मतलब मैं ये मुहावरा बोल रहा हूँ, 1760 टेंशन का मतलब टेंशन की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। कभी प्लम्बर की टेंशन, कभी बढ़ई की टेंशन, कभी छत की टेंशन, कभी वायरिंग की टेंशन, कभी फर्श की टेंशन, कभी टाइल्स की टेंशन, ठीक है ना, कभी छत में सीलिंग फैन की टेंशन, कभी कटोरी लगाने की टेंशन, कभी पुट्टी की टेंशन, कभी पेंट की टेंशन। तो ये टेंशन मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इन टेंशनों से मैं निकला हूँ और इन टेंशनों को मैंने देखा है, तो मुझे मालूम है कि आप बड़े भाई छोटे भाई जो भी घर बना रहे होंगे तो उनको भी टेंशन होगी। और जब ये टेंशन होती है तो चेहरे का जो मेकअप होता है वो उतर जाता है, मकान बनाते समय चेहरा फीका पड़ जाता है। तो आप लोगों का चेहरा फीका ना पड़े तो आपकी एक टेंशन दूर करूंगा, वो भी किसकी, रैंप की। क्योंकि रैंप की टेंशन बहुत बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि अगर कार टकरा गई और चैम्बर अगर फट गया तो आपका 40 से 50 हज़ार रुपये का नुकसान होगा। फिर वो चैम्बर नीचे डैमेज हो जाता है, कुछ चिपका देते हैं, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं रहता है। आपका स्लोप गलत बनेगा, स्लोप तोड़ोगे तो आपका लेबर कॉस्ट जाएगी, आपका गिट्टी सीमेंट का 10-20 हज़ार का नुकसान होगा। तो इस टेंशन को, इस नुकसान को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा है कि मैं आपको एक मैसेज के थ्रू, एक कमेंट के थ्रू आपको रैंप की लंबाई, आपको स्लोप की लंबाई बता सकूं। यही रीजन था आज का वीडियो बनाने का कि मैं आप सभी दोस्तों को, आप सभी अंकल चाचाओं को, दादाओं को, जो भी मकान बना रहे हैं, भाइयों को, भाभियों को, ठीक है, दीदियों को, ठीक है, जो भी मकान बना रहे हैं, सबकी टेंशन फ्री रहोगे आप। बस थोड़ा टाइम लग सकता है कमेंट, क्योंकि जब आपका कमेंट आएगा फिर मैं आपको कमेंट भेजूंगा, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि 5 मिनट 10 मिनट लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका घर का काम चल रहा है, स्लोप आपका 1 महीने बाद या 10 दिन बाद बन रहा है, तो आपको 10 दिन पहले से लग जाना है, YouTube पर लाइव बर्ग चैनल पर आना है और लाइव बर्ग चैनल पर इस वीडियो को देख करके आपको पूरा समझना है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। और पहले से कारीगर को बुलाने से पहले आपको पूरा पक्का इसका कन्फर्म कर लेना है कि रैंप की लंबाई कितनी हम रखेंगे, कहाँ से ढलाई करेंगे, कितने दूरी से लेंगे, ये सारा चीज, ठीक है ना। तो आपको इसके लिए क्या करना है, इसके लिए आपको चैनल लाइव बर्ग पर जाना है
और सबसे पहले जो सब्सक्राइब लिखा है लाल रंग का उसको सब्सक्राइब कर देना है। क्या सब्सक्राइब से कमेंट भेजेगा? नहीं भेजेगा। फिर इसके बाद आपको बेल आइकन को दबा देना है, क्योंकि इसके बाद भी मैं एक काम बताऊंगा। इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, और कमेंट सेक्शन में आपको अपने घर की फाउंडेशन हाइट, अब फाउंडेशन हाइट भला ये क्या होती है, जैसे आपका घर का ये सामने का रोड है, तो रोड से आपके घर की कितनी ऊंचाई है जहां पर आपकी गाड़ी जाना है, उसे हम फाउंडेशन हाइट कहते हैं। किसी की जो है फाउंडेशन हाइट घर की रोड से 1 फुट होगी, किसी की 1.5 फुट होगी, किसी की 2 फुट होगी, किसी की 3 फुट होगी, किसी की 4 फुट होगी, ठीक है ना। तो आपको 4 फुट 3 फुट जितनी भी है उस फाउंडेशन हाइट को कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अभी इसको नहीं भेजना है, उसको लिख करके फिर आपके पास जो गाड़ी है उसको लिखना है, या गाड़ी नहीं है तो आपका भविष्य में जो प्लान है उस गाड़ी का नाम लिखना है, और अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ओनली फाउंडेशन हाइट भी भेज सकते हैं कमेंट में। अगर दोनों चीजें हैं, फाउंडेशन हाइट और गाड़ी का नाम, तो दोनों आप भेज दीजिए बेहचक। आपको रैंप की लंबाई का बिना कुछ करे, बिना कुछ टेंशन लिए, मैं हूं ना, आपको रैंप की लंबाई कमेंट में जरूर लिखूंगा, ठीक है ना। और अगर एक बार कमेंट में मैंने नहीं लिखा तो दोबारा कमेंट करिए, मैं जरूर करूंगा। ऐसा हो नहीं सकता, मैं हर कमेंट का जवाब लिखता हूं, और जैसे ही आपको कमेंट लिखेंगे आप जाकर के कारीगर को बुलाइए और आप ढलाई करवाइए, और जैसे ही ढलाई हो जाए फिर कार ला करके आप कार चढ़ाइए, दौड़ा के आपकी कार 100% चढ़ेगी, और जैसे ही कार चढ़ जाए फिर आप हमारे लाइव बग चैनल को खोलिए, सब्सक्राइब चैनल में जा करके, ठीक है, क्योंकि आपने सब्सक्राइब करा है लाइव बग को, और उसमें जा करके आप थैंक यू लिख देना, और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैंने कितने सारे श्लोक बनवाए हैं अभी, और 2-4 बन जाएंगे रोज के, तो मुझे अच्छा लगेगा। और खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, मकान आपका बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा। अगर आप टेंशन लोगे तो मकान बनाने में दिक्कत होगी, क्योंकि टेंशन लेने से आप बीमार हो सकते हैं और मकान का काम रुक सकता है। इसलिए मकान आपका बनेगा, अगर नीचे से बनना स्टार्ट हो गया, नींव डल गई, पिलर लग रहा है, बनते 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 सब बन जाएगा। यूट्यूब एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर चीज़ पड़ी हुई है, तो जो भी चीज़ है उसका 1-2 दिन पहले से आप उसके कैलकुलेशन में लग जाइए। किचन का काम कराना है, उसको आप YouTube पर सर्च करिए, स्लिप कितने पे डलवाना है, चिमनी कहाँ लगानी है, आपको प्लम्बर का पाइप कहाँ से लगाना है, ये पहले से आप उस काम में लग जाइए, ठीक है ना। टेंशन लेने से बेस्ट है जब फ्री टाइम में आप बैठे हो तो आप YouTube पर जाइए और उस चीज़ को सर्च करिए 2-3 दिन पहले से। जैसे ही आप ये चीज़ 2-3 दिन पहले से सर्च करोगे, इसके सॉल्यूशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अपना लाइव बग चैनल तो है ही, कोई भी समस्या हो मकान से रिलेटेड, जीवन से रिलेटेड, आप इस पर डालिए, हम सारे सीनियरों से पूछकर, अपने दोस्तों से पूछकर आप तक हर बात का सॉल्यूशन पहुंचाएंगे। और मस्त रहिए, खुश रहिए, अपने खुद को खुश रहिए, अपने फैमिली को खुश रखिए, बच्चों को, बीवी को, सबको, बहन को, मम्मी पापा को, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। आज के लिए इतना ही, और मोबाइल उठाइए और स्लोप का फटाफट कमेंट करिए और हमसे सॉल्यूशन पाइए। जय हिंद, जय भारत।